हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको एनिमल्स रेट्स अपडेट में। आज हम आपको कुर्बानी वाले दो दांत बकरों की कुछ लाट दिखाएंगे जो फार्म में खड़ी हुई है, तो उसके बारे में डेटा से आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर वीडियो बआसानी आप तक वक्त पे वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरी पटेरी ब्रीड्स की लाट है। यहाँ पे जो पटेरी ब्रीड्स के बकरे हैं, ये तो अमेजिंग लाट है माशाल्लाह। छोटी सी वीडियो बनने वाली है, वीडियो को पूरा वाच लाजमी किया करें ताकि उसमें आपको जो भी हम बताएं तो आपको आसानी से पता चल सके कि हमने वीडियो में क्या बोला और रेट आगे जाके कितने के रेट होने वाले हैं, कुर्बानी में क्या है, सब बकरे ये बिकेंगे, ठीक है। तो ऐसी वीडियो हम हर रोज़ के बुनियाद पर लाते रहते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। तो चलते हैं, हम कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो कुर्बान भाई, यहाँ पे जो जितने बकरे खड़े हुए हैं, तो माशाल्लाह बकरे कैसे लगे आपको? बकरे भाई भैया बकरे अच्छे बकरे हैं। हम तो आए थे घूमने ना, तो यहाँ पे तो जानवर हमें दिखने में आए, तो वहाँ हम आपको ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसमें कुछ ये ढीले बकरे हैं दो चार, तो उनके बारे में बताएंगे वो ढीले क्यों हैं। ढीले इस वजह से ताकि ये खुराक नहीं खा रहे अच्छी तरह, कम खा रहे हैं ये ढीले बकरे खुराक जो है। फल खाते तो इसी तरह ये खड़े हैं। हाँ, ये जो चारा दिया जा रहा है किस आयन के लिए? VIP एक नंबर का चारा है ये। अच्छा, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसमें कणक की मिक्स हो रही है। हाँ, जोकर है। हाँ, चोकर चोकर चोकर। हाँ, भू है। अच्छा, कणकी का भूसा। हाँ, और चने का छिलका। हाँ, चने का छिलका जो बोलते हैं उसको। हाँ, साथ में दिया जा रहा है। वैसे वो बकरा बड़े वाला पकड़ना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो पूरी लाट है, आप देख सकते हैं इसी खुराक पे ये पले हैं, इसी खुराक पे ये हुए हैं। तो रेट्स वगैरह नहीं है इनके, क्योंकि हमारे साथ वो इसका जो ओनर है, माशाल्लाह दो दांत में बकरा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी हाइट जो ज़बरदस्त हाइट है, तकरीबन अभी जो इसका वेट है, कितना वेट होगा कुर्बान इसका अंदाजन, कितना वज़न हो जाएगा? मेरे अंदाज में तकरीबन 50 से 55 किलो तो हो जाएगा ना, 55 किलो के अंदर में हो जाएगा माशाल्लाह। बेहतरीन बकरे हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप अपनी फार्मिंग करना चाहते हैं तो ऐसा सेटअप बनाएं, ऐसा फार्म बनाएं, उसमें आपको ये होगा कि आपको अच्छे से अच्छे जानवर दिखने में आएंगे इंशाल्लाह। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये फार्म के पले हुए बकरे माशाल्लाह खूबसूरत। यहाँ पे देखें, वज़न देखें, स्टाइल देखें, सींग वगैरह चेक करें इनके, बहुत अच्छे सींग हैं इनके, और जो स्टाइल आपको दिखने रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे अभी वंडा दिया है, वंडे में इस्तेमाल जो हो रहा है तकरीबन, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो चने का छिलका और कनकी का भूसा, चोकर और गंदम का दलिया चल रहा है। सही है, गंदम का जो दलिया है वो भी चल रहा है इसी। तो उम्मीद है हमारी वीडियो छोटी सी वीडियो थी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जब से हम तब तक कराची में हैं, तो ऐसी फार्मिंग है उसकी अपडेट देते रहेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं पूरे का पूरा रेवड़ है। अब जब फोर सेल होगा तो तब भी वीडियो बनाएंगे हम फोर सेल के लिए। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो भी रब्ता करके परचेजिंग कर सकता है। तो अभी के लिए ये फार सेल नहीं है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।